हे गाइस, वेलकम टू रेल ज्ञान सीरीज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में और जानेंगे इसके इतिहास से लेके फ्यूचर के प्लानिंग और उसके मोटिवेशन, और साथ ही जानेंगे कि इंडियन रेलवे का वर्ल्ड में क्या पोजीशन है और फ्यूचर में इंडिया का पोजीशन क्या रहने वाला है, और साथ ही जानेंगे कि किन किन राज्य में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है और कितना इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी रह गया है। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि इंडियन रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। सबसे पहले USA, फिर चाइना, रसिया, फिर हमारे भारत देश का नंबर आता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारे देश की कुल ट्रैक की लंबाई कितनी है। तो हमारे कुल ट्रैक की लेंथ जो है वो 123,542 किलोमीटर है। वही अगर बात करें कि रूट किलोमीटर की, तो वो 68,155 किलोमीटर है। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रूट किलोमीटर और टोटल लेंथ में क्या अंतर है। तो टोटल लेंथ में हमारा यार्ड, लूप लाइन, डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, सारे ट्रैक के लेंथ को ऐड किया जाता है। वही रूट किलोमीटर में ओनली स्टेशन ए से स्टेशन बी के मिनिमम डिस्टेंस को नापा जाता है, तो वो जाता है हमारा रूट किलोमीटर। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि रूट किलोमीटर और टोटल लेंथ में क्या अंतर है। तो चलिए आज के मेन टॉपिक में चलते हैं, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। तो इंडियन रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत 3 फरवरी 1925 ईस्वी में हुई, जब देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बई विक्टोरिया टर्मिनस से कुरला के बीच चलाई गई। यह 1500 वोल्ट डीसी में चलाई गई थी। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन 3000 वोल्ट डीसी का हावड़ा वर्धमान लाइन में 1957 में किया गया। फिर 15 दिसंबर 1959 में 25 किलोवोल्ट 50 हर्ज ट्रैक्शन सिस्टम को इंडियन रेलवे द्वारा अपनाया गया, जो कि अभी तक चल रहा है। और इसका फर्स्ट सेक्शन था राज खरसवा से डोंगवा पोसी के बीच, जो कि साउथ ईस्ट रेलवे में पड़ता है। और अभी का सबसे लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है 2x25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम, जो कि हमारे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में यूज किया जा रहा है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो इसका वीडियो हमने पहले से बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को देख सकते हो। अभी तक 20 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम हमारे इंडियन रेलवे द्वारा यूज किया जाता है, चाहे 2x25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम आ गया हो, लेकिन फिर भी हमारे देश में अभी तक 25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि यह 2x25 किलोवोल्ट ट्रैक्शन सिस्टम के साथ सिमलेस वर्क करता है, क्योंकि इसके मॉडिफिकेशन के बाद भी कोई भी ट्रैक्शन या फिर लोकोमोटिव में मॉडिफाई करने की आवश्यकता होती नहीं है, ये सिमलेस वर्क करती है। इसलिए दोनों ही मेथड अभी तक एडॉप्ट किया गया है हमारे इंडियन रेलवे के द्वारा। अगर बात करें प्रेजेंट इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में, तो अभी तक 39,866 रूट किलोमीटर का एरिया इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, मतलब 58.49% ऑफ टोटल रूट किलोमीटर इंडिया का इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। बाकी 40% बचा है, जो कि अगले 3.5 साल के अंदर 100% इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाएगा। 2020-21 में 7,000 रूट किलोमीटर टोटल इलेक्ट्रिफाइड करने का टारगेट रखा गया है। इससे पहले पिछले 2 साल में 6,000 रूट किलोमीटर का टारगेट रखा गया था और उसे पूरा किया गया था। इन आंकड़ों से हम पता लगा सकते हैं कि अभी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कितनी तेज़ी से चल रहा है। और वही अगर बात करें ग्रीन एनर्जी का, तो 2030 तक इंडियन रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन को फुल ग्रीन कर दिया जाएगा, मतलब इसमें 100% सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और डिफरेंट रिन्यूएबल सोर्स से इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा। और यह कदम उठाया गया है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत परियोजना के तहत, और इसका काम भी पूरी तेज़ी से चल रही है। अभी हाल में मध्य प्रदेश के बीना में 1.6
7 मेगावाट सोलर प्लांट का स्थापना किया गया था। इसका भी डिटेल्ड वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि किन किन राज्य में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो चुका है। यहाँ पे परसेंटेज के आधार पे आपको स्टेट्स के नाम बताया जाएगा। तो स्टेट के नाम बताने से पहले आपको ये बता दें कि हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुके हैं, जो कि दिल्ली और चंडीगढ़ है। ये 2 यूनियन टेरिटरी 100% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और इसके अलावा अगर बात करें स्टेट की, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है उड़ीसा स्टेट, जो कि साउथ ईस्ट इंडिया में है, और वहाँ पर 95% ऑफ टोटल रूट किलोमीटर इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। वही सेकेंड नंबर में हरियाणा है, जिसका 89% रूट इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। वही तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, जिसका 84.9% टोटल रूट इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और चौथे नंबर पे है झारखंड, जिसका 82.85% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और पांचवे नंबर पे है केरला, जिसका 81.82% इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। और अगर बात करें कि सबसे मिनिमम इलेक्ट्रिफाइड कौन कौन से स्टेट में हुआ है अभी तक, तो वो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम। ये सारे स्टेट में 0% इलेक्ट्रिफिकेशन अभी तक हुआ है। अगर इन 7 राज्यों को छोड़ के बात करें, क्योंकि इन 7 राज्यों में तो अभी अभी रेलवे लाइन पहुंची है, अगर इन राज्यों को छोड़ के बात करें तो गोवा एक राज्य है जहां अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम नहीं हुआ है, मतलब 0% इलेक्ट्रिफाइड लाइन है गोवा में। तो आप इस राज्य का नाम रिमेम्बर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर में इंडियन इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का क्या पोजीशन रहने वाला है। क्या अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जो फुल इलेक्ट्रिसिटी में ऑपरेट करता हो? अगर करता है तो वो कौन सी कंट्री है और उसकी लेंथ क्या है? दोस्तों, पूरे विश्व में एकलौता ऐसा देश है स्विट्जरलैंड रेलवे, जो कि 100% इलेक्ट्रिफाइड लाइन में ऑपरेट करती है। इसकी टोटल लेंथ 5196 किलोमीटर का है, लेकिन यहाँ पर 100% इलेक्ट्रिफाइड है, मतलब 5196 किलोमीटर टोटल इलेक्ट्रिफाइड लाइन यहाँ पर काम करती है। अगर इंडियन रेलवे 100% इलेक्ट्रिफाइड लाइन को अचीव करती है तो यह विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क होगा, जो कि इलेक्ट्रिफाइड लाइन में ऑपरेट करेगा। अभी तक चाइना में भी ओनली 70% टोटल इलेक्ट्रिफाइड लाइन है। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको सीखने को और जानने को जरूर मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को या जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। और हाँ, इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का जल्दी रिप्लाई देंगे। धन्यवाद।